के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। बीजेपी कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री पहुंचे, वोटिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। बीजेपी कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वोटिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। करीब 12:30 बज चुका है, हालांकि वोटिंग 6 बजे तक होनी है। लोग घरों से निकल भी रहे हैं, वोट देने के लिए पहुंच भी रहे हैं, प्रत्याशी भी वोट देने के लिए अभी तक पहुंचे हैं, राजनेता भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी बीजेपी कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, जहां पर वोटिंग के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तो ये खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। बीजेपी कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री वोटिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी तक वोट प्रतिशत कितना रहा, कितने लोग वोट करने के लिए घरों से निकले हैं, और क्या उम्मीद है कि 6 बजे तक, जब तक वोटिंग चलेगी, कितने लोग वोट करने के लिए पहुंचेंगे। वोटिंग के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं, बीजेपी कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ भी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें करीब 40% तक के मतदान हो चुका है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मरवाही में भी बिहार में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश और मरवाही में आज चुनाव, कितनी उम्मीदें पहुँची? देखिए, पूरी उम्मीद है। अब मरवाही में कितने रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, अंतर से जीतते हैं, ये देखने की बात है। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूँ 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। आपके एक ट्वीट को लेकर बड़ी चर्चा है, षड्यंत्र कारी वाली जो ट्वीट है, मोबाइल को लेकर मोहन ज्यादा अच्छा जानते हैं, थोड़ा सा ट्वीट का ट्वीट में ही ले लीजिए। और कोई सवाल बिहार में क्या आप सवाल नहीं करेंगे पूरा कैसे होगा? जांजगीर का वो जिले का राहौत का एक छात्र जो जबलपुर में पढ़ाई कर रहा है, वो सीनियर छात्र का शिकार हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका पूरा परिवार 1 महीने से दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। देखिए, ये किसी भी मृत्यु हो बहुत दुखद है, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठगबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान हैं, जो लगातार तलवार भांज रहे हैं, उसे आप सब देख रहे हैं। ये धान खरीदी की तारीख का ऐलान हो गया है, 1 दिसंबर धान खरीदी, लेकिन विपक्ष अब भी कह रहे हैं कि नवंबर से शुरू होना चाहिए धान खरीदी। देखिए, जिसको राजनीति करना हो उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं, और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे, और अभी बारदाना अब आना शुरू हुआ है, और हमको लगभग 3-3.5 लाख गठान की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धता के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। और इस बात को मैं सदन में भी बोल चुका हूँ कि बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। सर, एक सवाल ये है कि चौथी किस्त आप लोग देने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? लोगों को तो विश्वास ही नहीं था, कोरोना काल में भी जहां रेवेन्यू जीरो था, एक समय था बिल्कुल कोई रेवेन्यू नहीं था, उस परिस्थिति में भी हमने किसानों को प्रथम किस्त दिया, द्वितीय किस्त दिया, और 1 नवंबर को तृतीय किस्त दिया। ये वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले चौथी किस्त मिल जाएगी। ठीक है, जब जब लोन ले रही है, विपक्ष को बड़ी दिक्कत होती है कि सरकार लोन ले रही है। एक बार फिर से ये बयान आया कि 1 सप्ताह में सरकार लोन ले रही, तो कहाँ ले जा रही अर्थव्यवस्था, क्या कहना चाहिए? GST जिन राज्यों में उत्पादक राज्य हैं, GST की जो भरपाई है उसे केंद्र सरकार 2022 तक करने का फैसला किया। आज की तारीख तक के हमारा GST केंद्र सरकार से हमको मिलना था,
जो अंतर की राशि वो 4000 करोड़ है, अभी तक केवल 350 करोड़ रुपये मिला। भारत सरकार कहती है लोन ले लो, तो वो हमारा पैसा है उसमें भारत सरकार कहती है लोन ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुँह से बात कर रहे हैं? उन्हीं के शासित राज्यों में जाकर पता कर ले कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या स्थिति है। हमारे तो हर पैमाने पे हमारा परफॉर्मेंस टॉप में रहा है। सितंबर महीने में देखिए हमारा 24% ग्रोथ रहा है जीएसटी में, अभी अक्टूबर में देखें तो ऊपर भी हमारे 26% ग्रोथ के साथ हम टॉप में हैं। हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अब ये सारे पैसा केंद्र में जाना है तो हमारे पास नहीं आएगा। 26% जो ग्रोथ है वो भारत सरकार के पास जाएगा, तो हमारे पैसा हमको नहीं लौटा रहे हैं। थे मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए नजर आए, लेकिन अहम बात यह थी कि मरवाही में भी और मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर है उपचुनाव है उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए वो यहां पर नजर आए हैं। अब आपको अभी तक वोटिंग का परसेंटेज भी बता देते हैं। मरवाही में दोपहर 12 बजे तक 30% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो मरवाही की एक सीट जिस पर मतदान हो रहा है, कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी से गंभीर सिंह और के ध्रुव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी काफी स्ट्रांग इसलिए हो जाती है क्योंकि अमित जोगी का समर्थन सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर मिल गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जीत के दावे कर रही है। हालांकि जनता को आज ये फैसला करना है, इन दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 10 नवम्बर को नतीजे आने हैं। सुर्खी विधानसभा के बड़ौदा गांव में फर्जी मतदान का मामला सामने आया। फर्जी मतदान करते 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्जी मतदान करते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 युवकों से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुर्खी विधानसभा के बड़ौदा गांव में फर्जी मतदान का मामला भी सामने आया है। फर्जी मतदान करते 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्जी मतदान करते युवकों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तीनों युवकों से फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 3 युवक हैं जो फर्जी मतदान करते हुए नजर आए, तस्वीरों में आपको नजर भी आएंगे। सुर्खी विधानसभा के बड़ौदा गांव में फर्जी मतदान का ये मामला सामने आया है। फर्जी मतदान करते 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्जी मतदान करते हुए युवकों का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। नितिन भट्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कैसे फर्जी मतदान करते हुए नजर आए हैं 3 युवक जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं? हम आपको बता दें कि ये ग्राम बड़ौदा में पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे थे और इनके हाथ में एक एक पर्ची थी। जब एक पार्टी के लोगों ने इनको देखा तो संदिग्ध पाया, और संदिग्ध पाके वो इनसे पूछताछ की गई तो ये लोग दूसरी विधानसभा के लोग निकले। इनकी संख्या 3 या 4 बताई जा रही है। इनको पुलिस के हवाले कर पुलिस ने उनको अभी मौके पे ही रखा है और उनकी और जानकारी निकालने की कोशिश में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो अब आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। 10 बजे तक 11.48% वोटिंग हुई है और 11 बजे तक 26.6% वोटिंग अभी तक मध्य प्रदेश में हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, नजदीकी पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, और न्यूज स्टेट भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अभी तक अगर आप वोट देने के लिए अपने घरों से नहीं निकले हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचिए। 28 सीटों पर चल रहे उपचुनाव के वोटिंग के दौरान कई जगह से ईवीएम मशीन में खराबी होने की जानकारी सामने आ रही है, तो वहीं फर्जी मतदान किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने फिर एक बार सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग जारी है, ऐसे में हमेशा की तरह एक बार फिर ईवीएम मशीन पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही हो रही वोटिंग में कई जगह जगह ईवीएम मशीन खराबी की खबर सामने आ रही है। ग्वालियर के बूथ नंबर 258, सुमवाली बूथ नंबर 62A, 178A, 289 में खराबी सामने आई है। यही नहीं, धार के बदनावर के कानवन में ईवीएम में खराबी आई, जिसकी वजह से बूथ नंबर 138 पर मतदान करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा।
वहीं अब इस बार एक बार फिर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है। ईवीएम मशीन पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए तो वहीं सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में फर्जी मतदान किए जाने की आशंका जताई। कोविड का रेड जोन है, उसमें ये बनाया गया है। एक भी महिला पुलिस ये अभी शायद दिख रही है, अभी आती हुई मेरे को सुबह से ही रहना था, और उस पर फर्जी आईडियों पे फोटो लगा के लेमिनेट करके मतदान कराया जा रहा है। एसडीएम को भी बोला है, चेक रहे हैं, दूसरी आईडी मांगना चाहिए। ये मैंने निवेदन किया है कि इसके साथ साथ दूसरी आईडी भी आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बच्ची हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, तो उसके साथ उन पर कार्रवाई की जा सके। प्रदेश की 28 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। ऐसे में ईवीएम मशीन में खराबी होने की वजह से मतदान में देरी हो रही है। वहीं कांग्रेस फिर इस पर सवाल उठा रही है। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान किया है। एएमआई शिशु मंदिर के मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 258 नंबर का बूथ जिस पर मतदान करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। सिंधिया ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। बेहद महत्वपूर्ण ये सिंधिया के लिए उपचुनाव हो जाता है, क्योंकि अब ये उपचुनाव साख का उपचुनाव है। ऐसे में पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, तो उनके लिए भी ये बड़ी बात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 258 बूथ नंबर पर सिंधिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वोट किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 28 विधानसभाओं में आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, और मेरा विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। 28 के 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस ने पूरे चुनाव कैंपेनिंग में मुद्दे से भटकाने का काम किया है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत रंग लाएगी, ये तमाम बातें गृह मंत्री ने कही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव जारी है। ऐसे में धुआंधार प्रचार करने वाले नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, डबरा में हैं, इस समय मौजूद हैं वो। किस तरीके से सर चुनाव प्रचार हुआ तो हमने देखा, आज पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? आज चुनाव जारी है पूरे 28 विधानसभा सीटों। प्रतिक्रिया जो पहले थी वो अभी है, जीत रहे, जीतेंगे। आप स्वयं आयो, आप स्वयं देखो और सर्वे करो, आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, जीत रहे। 28 विधानसभा सीटों की जनता से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? कमल का बटन दबाएं प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि के लिए कमल का फूल जरूरी है। 15 महीने का कुशासन आपने देखा, लूट और भ्रष्टाचार का आलम देखा आपने प्रदेश में, उससे मुक्ति के लिए कमल का बटन दबाइए। ये पूरा प्रचार, पूरा चुनाव प्रचार जो रहा, खासकर जो 28 विधानसभा सीटों का रहा है, ये कई मायनों में बहुत सारी चीज़ों के लिए यादगार रहेगा। सबसे पहले तो सियासत का तख्ता पलट हुआ, उसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई, मैंने खुद भी देखा है भोपाल में जब आप थे, सक्रिय रहे पूरे घटनाक्रम में, पूरे 8-10 दिन हमारा कवरेज जारी रहा था। और अब जब चुनाव प्रचार हुआ तब भी आपकी सक्रियता बेहद अहम रही। ऐसे में जो चुनाव प्रचार देखते हैं उसमें लगा कि स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है या केवल आरोप प्रत्यारोप या बयानों पर ही पूरा चुनाव प्रचार कायम रहा? पहली बार तो तख्ता पलट में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी, कांग्रेस ने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की,
कभी मुख्यमंत्री भूखा नंगा है, कभी मुख्यमंत्री पैरों की धूल नहीं है, कभी कमलनाथ जी आइटम बोलते हैं, कोई टंचमाल बोलता है। 15 महीने के कार्यकाल की कोई चर्चा ही नहीं की कमलनाथ जी ने, ये उनके कार्यकाल की विशेषता है। झूठ पर झूठ बोलना और लगातार बोलना और फिर अड़ना, आइटम शब्द को जब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने गलत माना, राहुल गांधी ने गलत माना, पर वो अड़े रहे। उनका स्वभाव है या इस उम्र में जिद की, जिद्दी आदमी हो भी जाता है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी प्रचार प्रसार रहा और कई मायनों में उनकी उनकी भी प्रतिष्ठा, और कहना चाहिए पूरे 28 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर आए थे उनकी प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं दांव पे लगी। सिंधिया जी का ये क्षेत्र है, यहाँ उनकी काफ़ी लोकप्रियता है और उनका प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। माननीय शिवराज सिंह जी दोनों ने मिलकर काम किया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ेगी। 28 में से सर कितनी सीट है? 28। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका दावा है कि आज जब चुनाव हो रहे हैं तो लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। साथ ही दावा किया है कि 28 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र शर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट डबरा। खंडवा की माधानता सीट पर बंपर वोटिंग हो रही है। माधानता में अब तक 47.87% वोटिंग हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां खंडवा की माधानता सीट पर बंपर वोटिंग हो रही है, अभी तक 47.87% वोटिंग इस सीट से हुई है। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जनता कर रही है। माधानता की सीट में अभी तक 47.87% वोटिंग हुई है, जिसमें कि उत्तम पाल सिंह और नारायण पटेल के बीच कड़ा मुकाबला इस सीट से देखने को मिलेगा। जनता इन दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद कर देगी। अब तक 46.87% मतदान माधानता से हो चुका है। खंडवा की माधानता सीट पर बंपर वोटिंग चल रही है। 12:30 तक वोटिंग प्रतिशत माधानता में अच्छा खास आया और उम्मीद है कि 6 बजे तक, जब तक मतदान चलेगा, वोटिंग परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ेंगे। सीट पर उत्तम पाल सिंह और नारायण पटेल के बीच कड़ा मुकाबला है। वोटिंग यहां पर बंपर हो रही है। 46.87% वोटिंग अभी तक माधानता सीट पर हो चुकी है। अब देखना है जनता का फैसला किस ओर होता है। अपने मताधिकार का जनता इस्तेमाल कर रही है, वोट करने के लिए घरों से निकल रही है। माधानता सीट पर वोटिंग परसेंट अच्छा खासा है, अभी तक 46.87% माधानता सीट पे वोटिंग हुई है। सीट पर उत्तम पाल सिंह और नारायण पटेल आमने सामने हैं। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज यहां पर और भी ज्यादा बढ़ेगा। लोग जागरूक हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। जनता हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझती है। जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, बयानबाजी हुई और ये उपचुनाव जिन वजहों से हो रहा है, जनता एक एक बारीकी को बेहद अच्छे तरीके से समझती है। तो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए भी लोग निकल रहे हैं। 46.87% वोटिंग माधानता में अभी तक हुई है। मध्य प्रदेश में 2018 और मौजूदा हालात हमने आपको दिखाए, अब हम आपको दिखाते हैं कि एमपी में 2013 के नतीजे क्या कहते हैं। इसके लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा, जहां से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा आपको पूरी जानकारी देंगे। हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश पर इस बार किसका कब्जा होगा? क्या एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो जाएगी, यानी बीजेपी का कमल एक बार फिर से खिलेगा, या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस का हाथ जनता थाम लेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ आंकड़े 2013 के भी हैं। इस बार के मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से चेहरे इस बार मैदान में हैं आमने सामने, और कौन कौन से चेहरों को लेकर ये पार्टियां इस बार लड़ाई लड़ रही है, आपको सीधे लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर, वहां पर आपको तमाम आंकड़े दिखाते हैं। तो 2013 के आंकड़े क्या कह रहे हैं, 2013 में किसके पास कितनी सीटें थी और कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर थी, ये आपको बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी को 165 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में 58 सीट गई थी, बीएसपी के खाते में 4 सीट थी और अन्य दलों के पास 3 सीट गई थी। और उसके बाद मुकाबला किस किस के बीच है, ये जरा देखिए। कमलनाथ है कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा प्रदेश में, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक बार फिर से मैदान में है।
वहीं बिहार में भी दूसरे चरण का मतदान जारी है। तीन तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिग्गज लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आम जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है। देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। फेस शील्ड पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष हैं जो कि अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में भी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल बड़े राजनेता वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें ज्यादातर वीआईपी सीटें शामिल हैं। आज सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव समेत पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मतदान करके आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला साबित होगा, जिनमें दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। मंगलवार को प्रदेश के बड़े नेताओं ने वोट किया। सीएम नीतीश कुमार के अलावा राज्यपाल फागू सिंह, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, आरजेडी से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप ने वोट डाला और अपनी अपनी जीत का दावा किया। लालू परिवार ने अपनी वापसी की उम्मीद जताई। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया कि इस बार बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव के गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी जी को क्या आशीर्वाद? बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? राबड़ी देवी के साथ वोट डालने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार लड़ाई पढ़ाई लिखाई महंगाई कमाई को लेकर है, जिसको लेकर जनता वोट डाल रही है। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। वहीं हसनपुर से आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद बूथ से बाहर निकले तेज प्रताप ने जीत का दावा करते हुए कहा, इस बार जनता लालू जी की अनुपस्थिति में भी पार्टी को प्यार देगी। देखिए जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है, और टसर का बात है तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा सीएम फेस जनता चाह रही है। बिहार चुनाव में दूसरा चरण इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पहले चरण में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, क्योंकि प्रदेश के 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से ज्यादातर वीआईपी सीटें हैं। वहीं 94 सीटों पर चुनाव के बाद लगभग बिहार का भाग्य तय हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। चुनाव पर महाकवरेज लगातार जारी है। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौटते बने रहिए हमारे साथ।